आज है 24th of January 2023, बट 24th of January इसलिए भी रिमार्केबल है क्योंकि आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जितने भी मेरे लर्नर्स हैं उन सभी लोगों को राजर्षि क्लासेस की तरफ से राष्ट्रीय बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही हम 2 मिनट का डिस्कशन करेंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया किस लिए जाता है और ये दिन खास किस लिए है। तो ये जान लीजिए कि इसकी कहानी जुड़ी है जो हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनसे जुड़ी हुई है। जिस दिन सन 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी ने पहली बार अपना कार्यभार संभाला था प्रधानमंत्री के तौर पे, तो इसी चीज़ को यादगार बनाने के, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए बालिका दिवस की शुरुआत की गई थी। ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी। इसके अलावा अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखें या उसके बाद से, 24 जनवरी को हम इसलिए भी मनाते हैं ताकि जो नारी शक्ति है उसको प्रमोट कर सकें, जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको बढ़ा सकें, जो जेंडर इनइक्वालिटी है समाज में, जो बढ़ी हुई आप कह सकते हैं इनइक्वालिटी है, उसको दूर कर सकें, महिलाओं के विषय में जो अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ हैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। बट आज हमारे देश को आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, बट फिर भी हमें बहुत ज़रूरत है। जितने भी लर्नर्स मुझे देख रहे हैं तो उन सबसे मैं एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप, आज हम लोग एक 21st century में लिव कर रहे हैं, हम बहुत मॉडर्नाइज्ड हैं, उसके बावजूद भी आज भी हमें कहीं जगह ऐसी सोच देखने को मिलती है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपकी माँ हो, बेटी हो या फिर बहन हो, कोई भी हो, आप उनकी हेल्प करिए, आप एक कदम आगे बढ़ाइए, ठीक। तभी इस तरह के जो हम डेज मनाते हैं उनकी रियल वैल्यूज़ हम समझते हैं या नहीं समझते, इसी से पता लगता है। आप उनकी मदद करिए, वो जो करना चाहती हैं अपने जीवन में, जो चीज़ अचीव करना चाहती हैं उसमें। और इसके साथ ही एक और चीज़ तो हो जाएगी और वो है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, जो बिना बोझ की शिक्षा है। तो भाई देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो सोसाइटी से धीरे धीरे क्या होगा, जेंडर इनइक्वालिटी खत्म होगा और हमारा एक चैप्टर भी कम होगा। और वो चैप्टर कौन सा है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप हम पढ़ते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, वो भी खत्म होगा, ठीक, जो कि आज के पेपर में भी आपका पूछा गया है। तो ये आप सभी लोगों से है कि उनका सपोर्ट करिए और हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक बेटर सोसाइटी, एक बेटर नेशन को करेंगे। क्योंकि एक नेशन में सिर्फ और सिर्फ एक, अगर आप कहेंगे मेल की आप चले जाएंगे ऊपर आपकी सोसाइटी, तो ऐसा नहीं है। दोनों जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, मेल फीमेल, ठीक, और इसके साथ ही अब हम ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड करेंगे। तो जब तीनों लोगों की सहज भागीदारिता होगी तभी हमारा देश आगे जा सकता है। जी हाँ, तो इसी के साथ ये आपका बालिका दिवस के लिए था और इसी के साथ अब हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो आप भी चैनल को लाइक कर दीजिए क्योंकि इसके पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं और आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम इस तरह के और भी वीडियोस और कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी एनालिसिस है, 24th of January 2023 की आपकी एनालिसिस है। यहाँ पे आज हमको बहुत सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। CDP और बाकी लैंग्वेज सेक्शन, मैथमेटिक्स एज यूजुअल इजी था। EVS में थोड़े फंसाऊ क्वेश्चंस आए थे जैसा बच्चों ने बताया। तो देखिए, CDP में क्या था, निपुण भारत, तो इसको तो अब तक आप रट ही गए होंगे। नेशनल, साथ में बोलिए क्या है, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ फॉर प्रोफिशियंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, हो गया निपुण भारत। RTE 2009 से क्वेश्चन आया था। मैंने जो अपनी सीटेट, कल आपको मैंने लिंक दिया था 23rd of January वाले में कि सीटेट जिसमें मैंने कंप्लीट कराया है उसमें RTE का टॉपिक जब मैं कवर कराया तो मैंने आपसे कहा था कि RTE से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी मैंने RTE का आपको थोड़ा बताया था। आप यहाँ जान लीजिए कि RTE जो है आपका, ये क्या है, राइट टू एजुकेशन, 2009 में आया था, बट लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 2010 एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 2010 से लागू हुआ था। और 2009 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2009 में आया था, ये तथ्य याद रखिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का ये प्रावधान रखता है। और अगर डिसेबल के केस में बोल दे तो 6 से 18 वर्ष हो जाएगा, ये तथ्य आप याद रखें। कोहलबर्ग की थियरी से आया था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाले से। प्याजे से आया था, प्री ऑपरेशनल स्टेज से। वाइगोस्की से आया हुआ है पेपर। तो अगर प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इन लोगों को आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर पहले देख लें। लर्निंग विदाउट बर्डन, क्वेश्चन ये था कि जो लर्निंग विदाउट बर्डन था इसकी नींव कब पड़ी थी। तो देखिए,
अगर आपने NCF पढ़ा है तो मैंने NCF को बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है और बताया है कि NCF जो अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ आउट करती है वो लर्निंग विदाउट बर्डन और NPE 1986 वाला है उससे उसने किया था। तो ये क्या बताता है आपको कि जो प्रोफेसर यशपाल थे जिनकी अध्यक्षता में NCF को बनाया गया था उन्हीं के द्वारा 1993 में, कब, नींव पूछा है ठीक, 1993 में उन्होंने क्या किया था, अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी जिसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, और यही NCF 2005 जब बनाया गया उसमें इन्होंने इस चीज़ को क्या किया, बताया। NCF से एज यूजुअल क्वेश्चन आया था क्योंकि NCF भाई सबका ही आउटलाइन है। अब आ जाते हैं अपने EVS वाले सेक्शन पे। EVS में जो क्वेश्चन आया था वो आउल से आया था। मैंने EVS के जो मैराथन कराई है उसमें भी बताया कि आउल से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है। पहले तो ये अपने हेड को बहुत ज़्यादा टर्न कर सकता है, पूरा घुमा सकता है, और मैना बोले तो जर्क करेगी, क्लियर। और साथ में आउल की आंखें हमारे जैसे होती हैं, ह्यूमंस की तरह, मतलब आप सारे पक्षियों की आंखों को देखोगे तो अगर पक्षी ऐसे देख रहा है तो एक उसकी आंख इधर एक इधर होती है, बट आउल ऐसा है कि आप अगर फोटो में भी देखेंगे तो उसकी आंखें हमारी तरह सामने होती है। तो ये आपको आउल के बारे में तथ्य याद रखना है। कोयल से एक एप्लीकेशन बोला था कि कुक्कू कुक्कू कौन करता है, तो भाई हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कुक्कू कौन करता है, कोयल ही तो करेगी इतने मीठे स्वर के लिए जो प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर था कोयल। एलिफेंट से क्वेश्चन आया था कि भाई 200 टन खाता है, तो 200 टन नहीं 100 ट्विक्स अ डे खाता है, ये तथ्य आपको याद रखना। और उसमें एक वेट का भी दिया था कि जो उसके 3 महीने का बच्चा है उसका वेट इतना होता है, एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में। पिचर प्लांट जो घटपड़ी पौधा है या नेपेंथनीज है कहाँ पाया जाता है, AIM ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय। इसने पूछा था कि ये पॉटी किस चीज़ की करता है, जी हाँ, तो उसमें कई था, हवा पानी जो भी था उसमें एक पोषक तत्व था, ठीक, यही आपका आंसर होगा। लंगर क्या है, तो लंगर आपने नहीं सुना है लर्नर्स, तो जान लीजिए पंजाब साइड में जो हमारा अमृतसर टेम्पल है वहाँ पे ये बहुत ही फेमस है। लंगर क्या, एक सामूहिक बैठा करके सब लोग लाइन से बैठ करके भोजन करते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पे इस चीज़ का आयोजन किया जाता है। आप वहाँ पे कभी भी जाइए, पूरे साल भर में 365 दिन में कभी भी जाइए आपको वहाँ पे शुद्ध खाना एकदम मिलेगा। तो ये आपका लंगर है जो सामूहिक भोजन के रूप में आप देखते हैं, एक तरीके से ये पवित्र भोजन माना जाता है, ठीक। जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं वही जो गुरुद्वारा है उससे संबंधित है आपका लंगर। जल दिवस, जल दिवस से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अगर अभी तक आपको याद नहीं है कि जल दिवस कितने को मनाया जाता है तो याद कर लीजिए 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। फूड चेन एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आया था कि जो हिरन है अगर हम उसका लगातार शिकार कर रहे हैं, ठीक, तो जो टाइगर के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है फूड चेन क्या होती है, एक चेन होती है जिसमें एक दूसरे के ऊपर दूसरा तीसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल घास को कौन खाएगा, डियर, डियर को कौन खाएगा, लायन, टाइगर, ठीक, और फिर ये लोग जब मर जाएंगे इनको खाने वाला कोई और पैदा होगा, उनको खाने वाला कोई और, तो ये एक क्रम में पूरी की पूरी साइकिल चलती है जिसको हम फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन भी आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए। रेनफॉल, सर्वाधिक रेनफॉल कहाँ होती है, जब मैंने EVS की ऑनलाइन आपको क्लास कराई है जिसमें मैंने कंप्लीट मैप वाला जो आपका सेक्शन है ना जिसमें मैंने हर एक स्टेट के बारे में बताया है, तो अगर आपने वो क्लास की है और आप पेपर देने जाएं तो आपको निश्चित बेनिफिट होगा। आज के मैं आपको सेशन में दिखाती हूं, तो मैक्सिमम रेनफॉल मैंने आपको बताई है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होती है, वहां भी मैंने आपको याद कराया है कि मेघालय, क्योंकि मेघा जिसका नाम है अगर वहां बारिश नहीं होगी तो कहां होगी। मेघालय में भी दो जगह, चेरापूंजी और मानसीराम, उसमें भी अगर ऑप्शन में आपको नहीं देता है एक देता तो आंसर क्या होगा, मानसीराम, क्या होगा, मानसीराम, मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और रेनफॉल मेजर करने के लिए बोल दे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, रेन गॉज, ओके। टाइगर से क्वेश्चन आया है, ब्लू वेल फिश से आया है, लद्दाख कोल्ड डिजर्ट इससे आया है, लोकटक लेक, अगर आपने मेरी EVS की क्लास की है, नहीं की है तो जाकर देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लोकटक लेक है। लोकटक झील किस स्टेट में है, रिकॉल कर पा रहे हैं आप तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं बता ही देती हूँ, लोकटक झील है आपका मणिपुर में। ये जैसे है ना कि बीच बीच में मिट्टी है और कुछ द्वीप बने हुए हैं जिस पर ये चलता है, वहाँ की भाषा में कहें तो इसको केबुल लाम जाओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केबुल लाम जाओ, मैंने आपको करवाया हुआ है ये, उसमें यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ किस तरह का हिरन पाया जाता है,
कौन सा इंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो हिरन, हिरन में भी कौन सा, संघई हिरन, नाम याद रख लीजिए, इंडेंजर्ड संघई स्पीशीज ऑफ एल्स डियर, ये पूरा नाम ये भी दे सकता है ऑप्शन में, ये भी जिस तरह का ऑप्शन है आप याद कर लीजिए, संघई डियर, ठीक है, और एल्डर्स प्रजाति का एल्डर्स डियर। तो ये आपका नया क्वेश्चन था, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब मैथमेटिक्स पे आते हैं, वैन हिले की जो थियरी है, तो वैन हिले की थियरी आपने नहीं याद की है, नहीं देखा तो देख के आइए, वाई डियर ट्रिक है इसकी, मैंने आपको कराया है, एडिशन बहुत ईजी आ रहा है। अब ये देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, इनको ऐसे ही कुछ नंबर्स दिए थे जिनको मल्टीप्लाई करना था, और मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो कितने आ रहे हो, जीरो को काउंट करना था, बस आंसर आ गया। पैटर्न वाला एक क्वेश्चन आपको दिया था, मनी से दिया था, एक ऐसा क्वेश्चन था कि आपको एक डिजिट दे दिया 3, 4, 6, 5। अब ये कह रहा है कि पहले वाले को डिजिट को, पहले वाले डिजिट को चौथे वाले डिजिट से इंटरचेंज कर दिया, और दूसरे वाले को तीसरे वाले से, अब जो संख्या बनी उसको जोड़िए। तो देखिए अगर आप पहले वाले को तीसरे से कर दिए तो क्या बन गया, 5 के इधर रख दीजिए, 3 को इधर कर दीजिए, 6 को इधर कर दीजिए, 4, बस अब इसको और इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ गया तुरंत। क्या करना था ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक। इंग्लिश से है प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्किल्स, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, मैंने इसको वैसे इंग्लिश पेडागॉजी के टॉपिक में कंटेंट में कवर भी किया है, जिसमें मैंने लैंग्वेज चारों के चारों उसके प्रोसेस स्किल्स कौन कौन सी, स्कैनिंग, स्कैमिंग, इंटेंसिव, सबको कवर कराया है। तो सबसे पहले इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, फिर ड्राफ्टिंग होता है, ऐसे इसके स्टेजेस होते हैं। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, तो ये हिंदी में भी पूछा था, इंग्लिश में भी, तो आप इसको जान लीजिए कि जो इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, इंटेंसिव मतलब व्हेन यू आर रीडिंग टू ड्रॉ आउट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ध्यान से एकदम पढ़ रहे हैं कौन सा ऑप्शन है, वो इंटेंसिव होगा, और सिर्फ देख रहे हैं कि अच्छा ये है, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, नॉवेल हो गया, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव में आएगा। और यही सेम चीज हिंदी में भी है, बारीकी से पठन और सरसरी पठन, तो इसको भूलिएगा नहीं। स्टीफन क्रेशन से यहां भी क्वेश्चन आया था, और हिंदी वाले में भी, पेडागॉजी और लैंग्वेज में याद रखिए कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत काफी हद तक ये लोग पेपर का वो जो मॉडल है वो सेम है। स्टीफन क्रेशन यहां ये I+1 कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट ऑफ स्टीफन क्रेशन, ये क्वेश्चन आया है, मदर टंग से आया है, लर्निंग से, मैजिकल लैंप आपका पैराग्राफ था एक, उससे आया है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय की मैंने बहुत ही इजी दोनों को एक ही में कवर किया, आप कैसे पहचाने इसको, वीडियो को मैंने डाला हुआ, आप उपसर्ग प्रत्यय डालिए, आपका वीडियो आ जाएगा, उसको पढ़ने के बाद आप गलत कर ही नहीं सकते, मैंने इतना इजी बनाया है। और याद करने के लिए जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि पहले उपसर्ग होता है कि प्रत्यय, तो बस आप उप पकड़िए, पहला उ हो गया उपसर्ग, प हो गया प्रत्यय, तो ये पहले आया ना, तो इसका मतलब शब्द के पहले जो जुड़े उपसर्ग, प मतलब प्र याद कर लीजिए, बाद में जो जुड़े वो प्रत्यय। संधि पूछा था मूल्यांकन का और अंधकार का, ठीक। मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है, वे टेक्निकल लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड है। समानार्थी पूछा था, पर्यायवाची पूछा था तारा का, लेकिन क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ ऑप्शन भी लर्नर्स ने बताया कि पर्यायवाची जो तारा का पूछा था उसमें कौन सा नहीं है, तो नहीं है हमें तामस होगा, क्योंकि तामस, तम मतलब क्या होता है, अंधकार, तो तामस नहीं है, उंग है, तारक है, तो ये आपका पूछा था। निपुण भारत यहां भी आ गए, उत्पादन कौशल कौन कौन से, और बारीकी और सरसरी पठन क्या होता है। तो लर्नर्स आई होप कि जो एनालिसिस है ये आपके काम आई होगी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।